नागमनी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एडजॉर्प्शन के बाद कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट टर्म कैटलिस्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय बर्जेलियस। बर्जेलियस साइंटिस्ट हैं जो कैटलिस्ट का कंसेप्ट दिए थे। कैटलिस्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानें। कभी भी आप पढ़ते होंगे तो एक रिएक्टेंट रहता था और रिएक्टेंट के बाद एरो खींचते थे, राइट साइड में क्या लिखते थे, प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग जानते थे कि केमिकल रिएक्शन में दो पार्टी हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन बर्जेलियस साहब ने एक थर्ड पार्टी बतलाए, थर्ड पार्टी को कहे उन्होंने कैटलिस्ट। क्या कह दिए, कैटलिस्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, इस बदलने की रेट को चेंज करता है कौन, कैटलिस्ट। माने रिएक्शन में दो पार्टी पहले से रिएक्टेंट बदलते हैं प्रोडक्ट में, बर्जेलियस साहब ने थर्ड पार्टी कैटलिस्ट ला दिए। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट को चेंज कर देता है, ना कि केवल बढ़ाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट को चेंज कर देता है, मतलब कैटलिस्ट फॉरेन सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। द केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। यह ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है और ये रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, एक रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। कुछ प्रॉपर्टी हैं कैटलिस्ट का। सबसे पहला पॉइंट, टर्म कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का टर्म सबसे पहले बर्जेलियस ने दिए थे। दूसरी बात, कैटलिस्ट चेंजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, माने यह कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और रेट बढ़ने और घटने का मुख्य कारण है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि यह कभी भी कंज्यूम रिएक्शन में नहीं होते हैं। अगर 1 ग्राम कैटलिस्ट यूज किए हैं तो रिएक्शन के अंत में 1 ग्राम कैटलिस्ट पुनः प्राप्त हो जाता है। कैटलिस्ट का अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद, मतलब कि यह कंज्यूम नहीं होता है। एक बात और, कैटलिस्ट रिएक्शन को कभी भी स्टार्ट नहीं करता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, केवल रेट को चेंज करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, केवल रेट को चेंज करता है। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाले हैं, रिवर्सिबल हैं, तो इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अवस्था में है तो कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की अवस्था में कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचाने में मदद करता है, मतलब कि कैटलिस्ट हेल्प इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम प्राप्त करने में सहायता करता है।
इसके बाद इट इज ए स्पेसिफिक नेचर, एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन में काम करता है, माने अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। इट मीन्स कैटलिस्ट इज ए स्पेसिफिक नेचर, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट हाई होते हैं। एक्टिविटी का मतलब कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट का कैपेसिटी है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल लें, और इसकी कैपेसिटी हाई होता है, मतलब एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज हाई। जैसे एक एग्जांपल में समझें, 1 ग्राम प्लेटिनम कैटलिस्ट 10^8 लीटर ऑफ H2O2 को, 1 ग्राम ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, 1 ग्राम प्लेटिनम कैटलिस्ट 10^8 लीटर H2O2 को, H2O2 को बदल देता है H2O में प्लस O2 में। इसका मतलब कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता अधिक होती है, माने कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट इज हाई, और कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट को एक्टिविटी कहते हैं, मतलब कैटलिस्ट का एक्टिविटी हाई होती है। एक और प्रॉपर्टी है प्रमोटर, प्रमोटर फोर्थ पार्टी हैं, प्रमोटर फोर्थ पार्टी हैं, थर्ड पार्टी नहीं, फोर्थ पार्टी। फर्स्ट सेकंड किसको कह रहे हैं, रिएक्शन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, थर्ड फॉरेन को क्या कहे आपने, कैटलिस्ट। एक ऐसा केमिकल और ऐड किया जाए जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसी को कहा जाता है प्रोमोटर। क्या कहा जाता है, प्रोमोटर। कहेंगे द केमिकल सबस्टांस, द केमिकल सबस्टांस विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर। कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है उसे प्रमोटर कहते हैं। कैटलिस्ट के एक्टिविटी जो बढ़ाता है उसे प्रमोटर कहते हैं। कैटलिस्ट के एक गुण और हैं सिलेक्टिविटी। कौन सी गुण है, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी कौन सी गुण है उसमें देखेंगे, CO प्लस H2 रिएक्शन है एक, दूसरा भी CO प्लस H2 ही है, थर्ड भी CO प्लस H2 हैं। तीनों रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट सेम लिए हैं, पहले रिएक्शन में निकेल कैटलिस्ट, दूसरे रिएक्शन में प्लेटिनम कैटलिस्ट, और तीसरे रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, प्लेटिनम के जगह कॉपर भी ले सकते हैं। पहले रिएक्शन में निकेल कैटलिस्ट है, दूसरे रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं, CH4। इसमें प्रोडक्ट बनते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसमें प्रोडक्ट बनते हैं CH3OH। ध्यान से देखिए, तीनों रिएक्शन का रिएक्टेंट सेम है, लेकिन तीनों में प्रोडक्ट अलग अलग है। प्रोडक्ट अलग अलग होने का कारण है कैटलिस्ट अलग। अगर यहाँ निकल है तो यहाँ CH4, अगर इस निकल को यहाँ ला दें तो यहाँ CH4, अगर इस निकल को थर्ड में ला दें तो यहाँ CH4 बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कैटलिस्ट के पास एबिलिटी होता है, कैटलिस्ट के पास एबिलिटी होता है कि कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट के सेलेक्ट करने की एबिलिटी कैटलिस्ट की होती है, इसी गुण को कहते हैं सेलेक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम सेम रिएक्टेंट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट का वह एबिलिटी जो सेम रिएक्टेंट से
कौन सी प्रोडक्ट बनेगा इसकी सिलेक्शन करने की एबिलिटी कैटलिस्ट के होती है, इसी एबिलिटी को सेलेक्टिविटी कहते हैं। आपने पढ़े कैटलिस्ट टर्म कौन दिए, बर्जेलियस। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी में हम लोग क्या क्या देखे, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम खपत नहीं होता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम प्राप्त करने में सहायता करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी हाई होती है, मतलब कैटलिस्ट का काम करने की कैपेसिटी अधिक होती है। एग्जांपल कहे 1 ग्राम प्लेटिनम कैटलिस्ट 10^8 लीटर ऑफ H2O2 को H2O में बदल देता है। कैटलिस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यह जनरली एक रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। यहाँ एक और पढ़े प्रोमोटर, वह केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है उसे कहते हैं प्रोमोटर। वह केमिकल जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है उसे कहते हैं प्रोमोटर। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट करें। एक बात और हम लोग कहना था कि कैटलिस्ट रेट को चेंज कैसे करता है, कैटलिस्ट रेट को चेंज कैसे करता है। एक ग्राफ देख लें थोड़ा, इधर आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों बीकर में ले लिए और वह रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ पर वह रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा गर्म करना चाहते हैं तो गर्म किए, जैसे ही गर्म करते करते यहाँ हीट एनर्जी आया तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो आपने गर्म करके इसकी एनर्जी कितना बढ़ा दिए, यहाँ से इतना दूर। अगर इतनी एनर्जी आप नहीं देते तो यह रिएक्शन नहीं होता। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस एनर्जी हमने गर्म करके दिया। पिछले दिन भी आपको कहा गया था किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ही इसमें कैटलिस्ट डालते हैं तो या तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है या तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी घट के यहाँ आ सकता है या एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो एक बात हम लोग कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है कैटलिस्ट। वो क्यों चेंज होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन रेसिप्रोकल होता है। क्या कहे, कैटलिस्ट वैसा केमिकल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कब होंगे, जब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो। एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा
द रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट के आधार पर दो तरह के होते हैं। रेट के आधार पर कैटलिस्ट दो प्रकार के हैं। एक कहलाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या कहलाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा कहलाता है निगेटिव कैटलिस्ट। बढ़िया से समझ लीजिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा कहला रहा है निगेटिव कैटलिस्ट। थोड़ी पॉजिटिव की बात करें, कहेंगे वह कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। वह कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या कहे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब आपको अभी सिखलाए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आप पूरा कह सकते हैं वह केमिकल सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो रेट बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, दूसरे जस्ट इसी का अपोजिट कहेंगे। वह कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर उसे कहते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल फिक्स्ड है, बहुत कम ही होते हैं। ज़्यादातर कैटलिस्ट का एग्जाम्पल पॉजिटिव कैटलिस्ट है। हमने निगेटिव का लिख रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल के ऊपर में। अल्कोहल यहाँ पर निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है डाइफेनाइल अमीन की उपस्थिति में। ये दोनों रिएक्शन में, इसमें अल्कोहल और इसमें डाइफेनाइल अमीन निगेटिव कैटलिस्ट हैं। ज़्यादातर कैटलिटिक एग्जाम्पल पॉजिटिव के होते हैं। निगेटिव अगर याद कर लें तो इसके छोड़कर कह दें सभी कैटलिस्ट क्या होंगे, पॉजिटिव। तो निगेटिव कैटलिस्ट रेयर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है आपकी फिजिकल स्टेट के आधार पर। फिजिकल स्टेट के आधार पर कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। होमोजीनस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनस, अब पहले भी पढ़े होंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, नहीं वही होमोजीनस। होमोजीनियस आपका रिएक्टेंट, आपका प्रोडक्ट, और बीच में कौन रहता है, वो कैटलिस्ट। रिएक्शन में दो पार्टी थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बर्जेलियस साहब ला दिए थर्ड पार्टी कैटलिस्ट। यदि फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो तो उसे कहते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट, और इस फेनोमेनन को होमोजीनियस कैटलिसिस। क्या कहे, कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बराबर हो या सेम हो उसे कहते हैं
होमोजीनस कैटलिस्ट। अगर एक गैस हो, कैटलिस्ट भी गैस हो और यह भी गैस, मतलब रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट तीनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, जैसे अगर ये साइड लिक्विड हो तो ये भी लिक्विड हो और ये भी लिक्विड हो, तीनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं? होमोजीनस कैटलिस्ट। क्या कहलाता है? होमोजीनस कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल है, अल्कोहल रिएक्शन करता है कार्बोजाइलिक एसिड से और ये बनाता क्या है? ईस्टर। और इसमें कैटलिस्ट होते हैं H2SO4, सभी इसमें लिक्विड हैं, अल्कोहल भी लिक्विड, कार्बोजाइलिक एसिड लिक्विड, H2SO4 लिक्विड और ईस्टर भी लिक्विड। अगर फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का और कैटलिस्ट तीनों सेम हो जाए तो उसे कहते हैं होमोजीनस। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। देखिए ध्यान से, N2+H2 रिवर्सिबल NH3, इसमें यह गैस हैं, यह भी गैस हैं, यह भी गैस है, लेकिन यहाँ पर आयरन सॉलिड हैं, मतलब कि कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो तो ऐसे को हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेनन को हेट्रोजीनस कैटलिसिस। क्या कहेंगे? द कैटलिस्ट इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज नॉट सेम टू द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वह कैटलिस्ट जिसका फिजिकल स्टेट उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो तो ऐसे को कहते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। माने फिजिकल स्टेट के आधार पर दो तरह के कैटलिस्ट हुए हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, कैटलिस्ट का सेम होता है, जबकि हेट्रोजीनस में कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो तो हेट्रोजीनस कहलाते हैं। अब है स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट। क्या है? अब स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट, उस स्पेशल टाइप में पहला है ऑटो कैटलिसिस। क्या लिखा हुआ है यहाँ? ऑटो कैटलिसिस। एक रिएक्शन आप देखिए, KMnO4+H2C2O4+H2SO4 हैं, ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं K2SO4+MnSO4+CO2+H2O। इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट में अध्ययन किया गया तब देखा गया कि यह रिएक्शन स्टार्ट में स्लो था, शुरू के समय रिएक्शन धीरे धीरे चल रहा था। जैसे ही प्रोडक्ट बना तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करने से पता लगता है कि इस रिएक्शन में बने प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है। यदि कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट ही उसके लिए कैटलिस्ट का काम करे तो उसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑटो कैटलिसिस। किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करे तो वैसे को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेनन को ऑटो कैटलिसिस कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच
any product acts as catalyst for same reaction is called autocatalyst and the phenomenon is called autocatalysis. कोई reaction होगा उसी का product same reaction के लिए catalyst का काम करे वैसे को autocatalyst कहते हैं और इस घटना को autocatalysis कहते हैं. Next है induced catalyst. क्या कहलाएगा एक और है induced catalysis. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए. Na2SO3 को हवा में रखते हैं तो ये बदल जाता है Na2SO4 में. उसी तरह से Na3ASO3 को एयर में रखते हैं तो नो रिएक्शन. क्या कहे सोडियम सल्फाइट लिए एक बीकर में रख के हवा में छोड़ दीजिए रूम में रख के तो अपने अपने वो बदल जाता है सोडियम सल्फेट में. जबकि सोडियम आर्सेनाइट को रूम में हवा में रख दिए तो वह सोडियम आर्सेनेट में नहीं बदलता है. लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं Na2SO3 और Na3ASO4 दोनों को एक साथ मिला के हवा में रख दिए दोनों मिला दिए थोड़ा थोड़ा दोनों और दोनों को एक साथ रख दिए तो यह देखा गया कि Na2SO4 बनता है और Na3ASO4. अब आप बढ़िया से समझें ये नॉर्मल कंडीशन में यह रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड. जबकि नॉर्मल कंडीशन में सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था माने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था. लेकिन दोनों केमिकल को एक साथ रखने से दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब सर्ट यह ऐसा रिएक्शन है जो इस रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है. जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो ऐसे को इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेनन को इंड्यूस्ड कैटलिसिस. क्या कहे नॉर्मल रिएक्शन जो अदर रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है और अदर रिएक्शन साधारणतः नहीं होता था जो एक साथ दोनों रिएक्शन हो जाता है. मतलब एक केमिकल ने यह केमिकल ने इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया इसीलिए इसे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेनन को इंड्यूस्ड कैटलिसिस. सर्टेन रिएक्शन influences the rate of other reaction which does not take place at ordinary condition is called induced catalyst and the phenomenon is called induced catalysis. Catalyst इतना है बाकी theory of catalyst आगे के video इंतजार में रहें.